सत श्री अकाल जी सारिया नूं। असी खाण तो बाद, रोटी खाण तो बाद कुछ ना कुछ मिठा जरूर खाने हैं। तो अज असी गल करन जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति नाल जिन्हां ने अपनी जर्नी नूं किस तरह स्टार्ट किया। तो अज 55 साल हो चुके हैं उन्हां नूं इस काम नूं करते, तो उन्हां दी एक्सपीरियंस, उन्हां दी जर्नी बारे आपां उन्हां नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तुहाडा नाम सब तो पहला? मेरा नाम पाली है। तो सर जिदा कि ये तुसी लगाई हुई है, तो तुसी दसो कि तुहाडी जर्नी किदा स्टार्ट हुई, तुहाडे फादर साहब ये काम करते सी कि तुसी ये स्टार्ट किया? फादर साहब तो काम करते ठेकेदारियां। हाँ जी। जे हम भी इन्होंने पहले नौकरी की है, नौकरी करके फिर जे काम सीखा है, काम सीख के फिर हमने ये अपना काम किया। हमारे पास है गुड़ का हलवा, मूंगी दाल का कड़ा, मूंगी दाल का छोटे गुलाब जामुन। मूंगी दाल दे हलवे की पाते हो? पहले पिठी भिओई दी, पहले दाल भिओई दी, पहले दाल भिओई दी है, फिर उसको पीसी दा, पीस के उसको फिर इसकी चानी बनाई दी है, चानी बना के उसको अलग कर दी दी है, फिर उसको पीठी को भूनी दा घी में, घी में भून के मुड़ के फिर वो करारी हो जाती है, फिर चानी दे दी है, कड़ी बनी होती है, तो दो चार गड़ के दे दे फिर कड़ा बन जाता है। जिस तरह असं इतने देख रहे हैं घ्यो, ये देसी घ्यो है? हाँ जी, देसी घ्यो। सारा कुछ तुसी देख सकते हो किस तरह ये बहुत ज़्यादा नैचुरल ते ताज़ा लग रहा है वेखन च, कि मुँह च पहले ही तेरे पानी आने वाला लग रहा है। तो जिस तरह इन्होंने अपना दसिया कि इन्होंने 55 साल हो चुके अज इन्होंने ये काम करते, पहले इन्होंने कितों होर जर्नी स्टार्ट की सी, तो अज ये खुद का ये कार्ट लगा के इतने काम कर रहे। सर तुहाडे किन्ने बच्चे ने? मेरे 3 लड़के हैं। अपने नाल काम करके मुड़ के उनको फिर काम सेट करके उनको अलग अलग दुकाने करा दी है, हम फिर उनको कामयाब करके हम फिर जहाँ दसना कि किस तरह इन्होंने अपने 3 मुंडियां नूं पढ़ाया लिखाया, एक वधिया काम बनाण बारे सोचा, तुसीं काबिल बनाण बारे सोचा, तो उन्होंने सैटअप किया। तो सर तुसीं उस बारे दसो, उहदी मेकिंग किदां करदे हो? वो गुड़ का हलवा है, गुड़ की चानी बनाई दी है, गुड़ की चानी बना के मुड़ के उसको भी अलग कर दी है, फिर घी में सूजी भून के, सूजी भून जाती है तो मुड़ के उसको चानी दे दी है, तो उसको पका के मुड़ के थाल में रख दी। तो कितने बजे तुसी फेरे लगांदे हो इत्थे? यहाँ अजी दा 11 बजे। 11 बजे कितने बजे तक? बस बस चले आगे मुड़ के राती 10 बजे तक। ठीक है, 5 बजे तो तक इत्थे हुंदे हो, तो बाद अगे जांदे हो? हां जी, शेरे पुड़ियां ने पूरा मतलब खत्म हो जांदा तुहाडा? हां जी, राती 10 खत्म खत्म हो जांदा। तुहाडी इच वाइफ किन्ना हेल्प करदी तुहानूं ये सब कुछ बनाउण च? ये पहलों वाइफ ही हाथ मिलांदी सी, हुण ही दुकान पर बंदे पहले घर में बनाते थे, अब दुकान पर बनाई रहा। अच्छा, दुकान पर बनाई? हाँ, दुकान पर बनाई रहा, दुकान पर बनाई रहा, उस जनानियों का कोई काम नहीं है। अपने मेरा लड़का मेरे नाल होता है, एक मुलाजिम होता है, एक मैं। अच्छा, एक मुलाजिम होता है, एक तुहाडा अपना लड़का होता है, बाकी जो 2 लड़के वो अपना सैटअप कर चुके हैं। हाँ जी। जिस तरह इन्होंने दसिया कि किस तरह एक मेहनत वाले लोग जड़े कि रोजी का रोटी चलाने वास्ते अपनी एक कार्ट से ये समान वेच के ते अपने बच्चों सैटअप करने के बारे सोचते हैं, वड्डे वड्डे सुपने लेंदे ने कि किस तरह ये अपने बच्चों पढ़ा लिखा के कुछ वड्डे अफसर बनाने। तो सर असं देख रहे हैं इतने बहुत सारे काजू बदाम, कुछ दसोगे तुसी ये वाले की पाया हुआ उपर? उपर बदाम की गिरी है। अच्छा, बदाम की गिरी, खीरे की गिरी ही डाली हुई है, नाल खोआ है। खोआ मावा किसको कहते हैं? ते तुसी देख सकते हो किस तरह नैचुरल इंग्रीडियंट्स ना सब कुछ बनाया गया, एलिमेंट्स नो डाल के ते
खोया खोया तो देसी घ्यो दे नाल मिला के इन्होंने पूरा ये तैयार किया। तुसी ओ गुड़ दा घ्यो गुड़ दा हलवा गुड़ दा हलवा देख सकते हो। तो इतने छोटे सानू रसगुल्ले भी देखने मिलते हैं, इनू भी तुसी आप बनाते हो? सब कुछ आप ही ठीक है आप ही बनाते हो। तो सानू इस जगह की लोकेशन दस सकते हो तुसी? ये जगह की लोकेशन है टेलीफोन चेंग। हाँ जी न्यू टेलीफोन चेंग नजदीक शास्त्री मार्केट। शास्त्री मार्केट। तो इन्होंने अपने एड्रैस बारे दसिया सर, तुम होर अपनी कुछ जर्नी बारे दसो कि किस तरह तुम कुछ सोचा हो कुछ होर बनने बारे, बट एक्चुअल एक्चुअल ये है तो अपने मेरे पोतरे हैं वो इस काम में नहीं पहना हम न्यू जनरेशन यानी नई जनरेशन कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम और कोई काम क्या करेंगे। गुड़ का हलवा एक तुसी एक प्लेट लगा दो सानू जिस तरह तुसी देख सकते हो किस तरह इन्होंने इन्होंने विच घ्यो पाया देसी घ्यो ते नाल ही पूरा नैचुरल प्रोसैस दस्सिया सानू कि किस तरह ये बनाते हैं। हुण सारा कुछ सानू मिक्स करके थोड़ा देंगे कि किस तरह इन्होंने आप टेस्ट करके तुहानू दसदे आ कि किस तरह का इसका टेस्ट है। तो तुहानू आ के खा के देखना चाहिए। साडी प्लेट जिहड़ी बन रही है जिस तरह तुसी देख रहे हो देसी घ्यो च बनया है सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। खाने तो बाद तो साड़ा दिल करता ही है कुछ ना कुछ खाने नू, कुछ ना कुछ मिठा खाने नू जरूर दिल करता है। तो मैं तुहानू खा के दसदी हाँ कि इहदा टेस्ट किदां दा है। बहुत ही स्वाद है जिहड़ा मैं थोड़ा जिहा गुलाब जामुन भी खा के देखदी हूँ। गुलाब जामुन तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तुम देख सकते हो किस तरह इन्होंने पूरा इनू ढक के भी रखा है नाल सू दसा है किस तरह इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बारे दसिया कि अपने बच्चों बनाना चाहते हैं कुछ अगो पोतरे पोतरियाँ मतलब जोड़े नहीं काम करना चाहते वो कहें कि आप कुछ होर करना है, बट फिर भी अपने इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी इस कारोबार से लगा थी अपने बच्चों स्टैंड करन दी। ते इन्होंने अपने एड्रैस बारे भी सानू पूरी तरह जानकारी दी कि कितने लोकेट करते हैं। तो 5 बजे तो बाद इधर पिछे चले जाते हैं कितने होर ये पूरा 10 बजे 10-11 बजे तक इन्हों का पूरा खत्म हो जाता है। ये ही इन्हों की जी है वाइफ जे वह भी इन्होंने हेल्प करते हैं। तो मेरा थानू यही कहना है कि आप जरूर इन्हों सपोर्ट करिए, ना कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स जाइए इतने आइए इन्होंने भी इन्हों के काम में भी प्रमोट करिए कि ये भी लोग अपने घर का स्टैंड कर सकन अपने बच्चों कुछ ना कुछ बना सकन। तो इस नाल ही तुसी इत्थे जरूर विजिट करो एक बार जिदा इन्होंने एड्रैस अपना दसिया। तो मेरे ग्रेट पंजाब टीवी वेखते रहो, मेरे नाल कैमरामैन अजय, मैं सोनिया, ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।